जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि 60244 के रिगार्डिंग एक अच्छी अपडेट आपको बताने वाला हूं। एंड यार, जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिएगा, आज की जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं। आपको ट्रेनिंग से संबंधित ये अपडेट रहने वाली है। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके ज्वाइनिंग तक ये भाई आपके साथ में रहेगा। और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिस तरीके से आपने अब तक सपोर्ट किया है मतलब आगे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आप देख लीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। ट्रेनिंग की तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड, और आज के गुड न्यूज़ है आप देख सकते हैं। मैं आपको अगला न्यूज़पेपर के माध्यम से इस कटिंग को जो है मैं समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने कटिंग है और इसको आप समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, PTS और RTC में सिपाहियों के प्रशिक्षण की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। मतलब ये आपको बड़ा ही मोटिवेट करेगा। आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इस तरह की कटिंग भी आती रहे तो ये आपके उत्साह को और जो है मोटिवेट करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रदेश में मतलब यूपी के अंदर 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए दोबारा सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के बाद में अब सरकार और शासन का ध्यान प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग पर है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले पुलिस विभाग के नए आरक्षियों को कहां और कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसके प्रबंध किए जा रहे हैं। मतलब क्योंकि ये बड़ी भर्ती है और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि 10-5 सेंटरों पर इसकी ट्रेनिंग मतलब जो है करवा दी जाए। अब इसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए आगे बोला गया है। इसी क्रम में पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों यानी PTS और रिक्यू ट्रेनिंग सेंटरों मतलब RTC की क्षमता बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायी के तौर पर भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा तब तक हो रहा है जब अभी भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित हुआ है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर PTS में तैनात अधिकारियों को 4 से 5 जिलों का नोडल अधिकारी बनाकर उन्हें वर्तमान स्थिति की जानकारी के साथ ही आगामी ट्रेनिंग के लिए सुविधाओं व संसाधनों की जरूरत का विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग के लिए क्या क्या जरूरत होगा उस सब का पहले से ही आप तैयार कर लीजिएगा। एक जो SSP है उनको नोडल ऑफिसर बना करके बाकी जो 3-4 जो अन्य जिले हैं उनका भी जो है वो ट्रेनिंग से संबंधित कार्यभार दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यूपी में एक पुलिस अकेडमी व 9 प्रशिक्षण विद्यालय है। मतलब आप समझते हैं ना, मतलब एक तो पुलिस अकेडमी है और साथ ही में 9 जो है वो ट्रेनिंग सेंटर हैं। ये सुल्तानपुर ट्रेनिंग सेंटर देख लीजिएगा, सुल्तानपुर है, मेरठ में है, गोरखपुर में, सीतापुर, चुनार, जालौन, मुरादाबाद में स्थित हैं। आगे देख लीजिएगा स्थित हैं। बताते हैं कि इनकी क्षमता 600 से लेकर के करीब 1,500 तक ट्रेनिंग जो है वो देने में सक्षम है। मतलब 600 से 1,500 अगर विद्यार्थी हैं, ट्रेनर हैं, तो आराम से ट्रेनिंग दे सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, वहीं RTC की क्षमता 200 तक है। ऐसे में नई भर्ती की सभी सिपाहियों का प्रशिक्षण इन विद्यालयों व केंद्रों में हो पाना संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए जिले व PAC वाहनियों में स्थापित अस्थायी RTC को व्यवस्थित और संसाधन युक्त किया जाएगा। मतलब उनको भी मॉडिफाई किया जाएगा ताकि इतनी बड़ी संख्या को वो जो है वो एक्सेप्ट कर सके। PTS और RTC की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। इसके मद्देनज़र आवास, क्लासरूम, आपके लिए खाना, आवश्यक उपकरण मतलब ट्रेनिंग के लिए जो हथियार यूज होते हैं, फर्नीचर आदि का मकूल प्रबंध किए जाने की ज़रूरत है। अगर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो स्वाभाविक है कि फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए भी और साथ ही में आपका जो ट्रेनिंग स्कूल होता है, पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी बेंच वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है। इसी को देखते हुए PTS में तैनात अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपकर व्यवस्था का भौतिक सत्यापन और जरूरत का खाका तैयार कराया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुल्तानपुर के अपर पुलिस महानिदेशक अजय आनंद ने SP ब्रजेश कुमार मिश्र को सुल्तानपुर कौशाम्बी ये पूरा का पूरा जो विवरण यहाँ पर इनका दे रखा है, किसको क्या क्या जो आदेश मिला हुआ है, तैनात करने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों ने संबंधित स्थलों का भ्रमण कर मीटिंग के बाद वहां का विवरण तैयार कर रिपोर्ट की उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। इसकी पुष्टि SP ब्रजेश कुमार मिश्र ने की है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज, सुल्तानपुर समेत सभी सेंटरों की डिटेल बना करके भर्ती बोर्ड को जो मतलब ट्रेनिंग को जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशिक्षण पर किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों के ट्रेनिंग के दौरान वर्तमान में ज्यादा आपको पता है कि साइबर अपराध मतलब आपके ट्रेनिंग के साथ में ये पार्ट भी आप जोड़ दिए गए कि साइबर अपराध मतलब साइबर क्राइम,
और महिला उत्पीड़न और पर्यावरण संबंधी शिक्षा पर भी जो है वो जोर दिया जाएगा। साइबर अपराध किस किस तरह का हो रहा है, कैसे इसे रोका जा सकता है, महिलाओं के साथ कैसी घटनाएं होती हैं और इनके रोकथाम के उपाय, आसपास का पर्यावरण कैसा है, इसे प्रभावित करने वाले के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, इस बारे में पढ़ाया जा रहा है। नए सिपाही भी यह पाठ पढ़ेंगे। मतलब आप जानते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा जो आप ट्रेनिंग को जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, आपकी ट्रेनिंग के अंदर ये सारे पार्ट भी जो है वो जोड़े जाएंगे। क्योंकि आपको देखो ऐसा नहीं है, जैसे आप देखो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम के अंदर भी कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है। अब उसको जो है पता ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सभी जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी को ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन सारे टॉपिक को लेकर के उनको बताया जाएगा। अगर ये स्थिति आती है तो इससे आप इस तरह से निपटेंगे। और साथ ही में देखो ये सच बात है कि जो सिविल पुलिस का जो कांस्टेबल होता है ना भाई, वो समझ लो उसके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी क्राइम से संबंधित, उसको सॉल्व कैसे करना होता है, उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि वो उनसे जुड़े होते हैं, यस ना। तो ऐसे में ये भी अगर ट्रेनिंग मिल जाती है तो आप जान सकते हैं कि एकदम सोने पर सुहागा हो जाएगा आपकी नॉलेज में। जमीन आसमान का डिफरेंस जो होता है वो अलग किसी डिपार्टमेंट वाले बंदे से आपको साफ साफ दिखेगा। इस सबको समझने के बाद में अब आप देख लीजिएगा, अब आपको ये पता चल गया है कि देखो ट्रेनिंग की सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से डिसाइड हो रही हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार 60,244 पोस्टों पर ये जो भर्ती हो रही है, अब 60,244 को जैसा हमने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा, सभी का तो भाई पॉसिबल नहीं, जो वर्तमान में हैं उनसे तो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना अस्थायी तौर पर PTS ये सारे चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएँ और इनके लिए ज़रूरत का सामान भी जो है वो इकट्ठा किया जाए। तो ऐसे में कुछ ट्रेनिंग सेंटर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यूपी के अंदर जितने भी सेंटर हैं, क्या जितने भी सेंटर हैं वो सभी जो है काफ़ी ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अदर जो स्टेट हैं, क्या अदर जो राज्य हैं उनके अंदर भी, उनकी भी पुलिस अकेडमियों पर, उनके भी जो है PTS पर आपकी ट्रेनिंग संभावतः हो सकती है, ऐसा भी विकल्प हो सकता है। जब ज़्यादा संख्या होती है कोरोना सबका एक साथ में, तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि अगर आपके राज्य के अंदर, अगर हमारे यूपी के अंदर पूरे जितने भी सेंटर हैं वो सबके सब भर गए, तो सीधी बात है जो आसपास के जितने भी रहेंगे उन सब में जो होता है ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसे कोई नई बात नहीं है। इधर क्या होता है कि जब अदर राज्य के भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सारे भर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, CRPF, BSF, इन सभी के ट्रेनिंग सेंटरों पर भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। वहाँ के उस्ताद अलग होंगे, अब स्वाभाविक सी बात है आप देख सकते हैं। और देखो भाई एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाई देखो सिविल पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की होती है। मतलब आप समझ लो कि आप 9 महीने के अंदर आप रबड़ बन जाएंगे भाई साहब। यानी कि आप शुरुआती, आप देख सकते हैं जब आप ट्रेनिंग पर आएंगे ना, तो शुरुआती 10 डेज मतलब 10 दिन के अंदर ही ना आप ये कहेंगे कि अरे भाई मैं कहाँ आ गया, समझ रहे हैं, आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाएगी। तो इसलिए खा पी लेना अच्छे से, अपनी सेहत बना लेना अच्छा, एकदम घी भी एकदम मक्खन वक्खन लगा के रोटी वोटी खाओ चिपट चिपा, तो समझ रहे ना। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि मतलब अपना फिजिकल का विशेष ध्यान रखना। ट्रेनिंग में आपका जितना खाया पिया है वो सब ग्राउंड पर निकलने वाला है, और मैं रियल बता रहा हूँ। जिन्होंने भी पुलिस की ट्रेनिंग किया है, यूपी पुलिस का, अदर राज्य का मुझे पता नहीं, आप यूपी पुलिस सिविल में जो नौकरी कर रहा है उससे आप पूछ के देखना कि भैया आपकी ट्रेनिंग हुई थी आसान हुई थी कि हार्ड हुई थी, बता रहे। और सीतापुर चले गए तो ना एकदम, वो कहते ना एकदम रस्सी बन जाओगे। तो सिविल पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है बहुत मतलब हार्डेस्ट होता है यार। पैरामिलिट्री फोर्सेस वो एक अलग लेवल है, लेकिन यार सिविल पुलिस का मतलब समझ लो, मैं अपने यूपी की ही बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसके लिए पहले से आप तैयार रहना मेंटली एंड फिजिकली। फिजिकल अभी से कर लेना तैयार, और मेंटली ये रखना, क्योंकि जीवन के अंदर, पूरे जीवन में यही एक समय होता है जब आप अन्य दोस्तों के साथ में नौकरी मतलब ट्रेनिंग का एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं। उसके बाद में सभी अपने अपने थानों पर, सभी अपने अपने जो सेंटरों पर जो है ड्यूटी करते रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है फिर उसके बाद में दिनचर्या बदल जाती है। तो इस सब के लिए भाई आपको तैयार रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, मेरी ये बात आप नोट कर लेना, डाउनलोड कर लेना इस क्लिप, इस वीडियो के क्लिप को, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो भाई साहब शुरुआत के 10 डेज में ही आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, क्या आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। और बहुत होंगे लठ गाड़ने वाले, अरे देखी जाएगी गुरुजी कैसी बात कर दी है, ट्रेनिंग क्या हमसे बड़ी हो जाएगी। तो वो भी ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, कुछ ज़्यादा जो सीरियस टाइप के होते हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले, तो उनको भाग दौड़ वाली थोड़ा सा टेंशन सा होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे धीरे, आपके जो उस्ताद हैं वो आपको समझा देते हैं और आपको ट्रेंड कर देते हैं, फिर आपको बात माननी होती है, फिर आप धीरे धीरे उसी रिदम में आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप भाई तैयार होकर के जाना, ठीक है। आप तैयार अगर नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगा।
ठीक है, और तैयार होकर के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको याद है जब हम ट्रेनिंग के लिए गए थे, हमने सिविल पुलिस के ही ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग लिया हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत भाई साहब सही बता रहे हैं, हम जो है शुरुआत के 5 दिन में ही ना एकदम बोल गए थे और एक एक दिन गिनती चालू हो गया था, क्योंकि दौड़ भाग वगैरह ये सब थोड़ा सा दिक्कत करता है, हम नहीं कर पाते, मतलब समझ रहे ना, एक होता है कि कितना भी दौड़वा लो, एक होता है कि भैया नहीं एक बार ही दौड़वा लो जितना है, तो वो वाली स्थिति है। तो देखा तो मतलब समझ लो 5 दिन में एकदम भाई साहब रबड़ बना दिए थे याद, फिर तो ऐसा लगा था भैया जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद सीधे अपना काम करें। ठीक है, तो आपको पता होगा जेल के अंदर सबसे पहले जॉइनिंग हुई थी, उसके बाद में जो है वो जैसे ही जॉइनिंग हुई थी उसका फिर अगला शेड्यूल ट्रेनिंग का ही जो है वो फिक्स हुआ था सिविल पुलिस के सेंटरों पर, तो वो सब एवरीवन नोज अबाउट इट। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।